एवरीवन, जय श्री राम। ये है शाम का टाइम और बज रहे हैं 5 और आज वर्कर्स को हमने जल्दी भेज दिया है क्योंकि हमें जाना है कहीं। सो हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। गोली इज ऑल्सो रेडी एंड गौरा, वेयर इज गौरा? गौरा इज वेयरिंग द शूज। आज हमने बच्चों से कहा सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, तो गोली कोशिश कर रहा है कि इंग्लिश में बात करें। गौरा इज वेयरिंग द शूज। तो गोली की पहली लाइन गौरा इज वेयरिंग द शूज। गौरा आर यू रेडी? यस। और गौरा ने भी इंग्लिश बोल दी, यस। है ना गौरा? आई ऑलरेडी रेडी। और गाइस सुनो, ये बहुत इतना जूता छिल जाता है ना, इट इज टाइट। ये जब भी मैं पहनती हूं ना, गाइस इट इज वेरी टाइट शूज। चलो पहन लो जल्दी शूज पहन के। गौरा अब इंडिपेंडेंट हो गई है क्योंकि गौरा 4 इयर्स की होगी। अब गौरा अपना आप शूज पहनती है ना गौरा? तो जो भी बच्चा देख रहा है छोटे छोटे, देखो 4 इयर्स का बच्चा अपना आप शूज पहन रहा है, ये इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है। गुड बच्चे, गुड गर्ल्स, अपना आप सब काम करते हैं। अगर आप अपना ड्रेस भी दिखा दो सबको खड़े होकर शूज पहन के। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल बढ़िया। भैया क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे पहन लूंगी। अच्छा मैं दिखाती तैयार हो चुके हैं। गौरा ने आज पिंक ही बनी है गौरा। गोल्डन शूज, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक क्लिप्स एंड ब्लैक टी शर्ट। और ये गौरा की बहुत पुरानी टी शर्ट है जो गौरा की अब तक आ रही है, फाइनली एक टी शर्ट है। और ये इतनी बढ़िया ना, मैं पहन पा रही हूं। जब गौरा छोटी सी थी इसकी बुआ जी ने दी थी, और गौरा जब छोटी सी तब आई थी। And guys, see my new trouser. और ये आज गौरा के न्यू ट्राउजर, गोली के न्यू ट्राउजर आए हैं, हमने ऑनलाइन मंगाए थे। और ये मेरे भी। और मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे आएंगे, लेकिन फाइनली अच्छे आ गए और गोली को भी पसंद आई। तो गोली इज वेरी फिट। गोली बहुत चूजी है, गोली को आते हर चीज पसंद नहीं आती। और ये रहे पापा तैयार। पापा ले रहे हैं अपनी चाबी। अरे गिट्टी दे। हो गया, हो गया, शूज नहीं पहनने। गुड इवनिंग बोल दो। हेलो, गुड इवनिंग। आज हम जा रहे हैं कहीं पे, सो किसी गुड न्यूज़ में कुछ अच्छी बात है किसी के लिए। नहीं, आपको बाद में बताएंगे। वो हम रात को बताएंगे। बाय। रात को नहीं, अभी बता दें। चलो चलो चलो, लॉक लो। आपके सॉक्स शूज में है। फैन का ले दो ना। यहां का ले दो। अंदर का मैंने फैन चला दिया। फैन चला दिया अंदर का। ठीक है। चलो मिलते हैं। सो फाइनली हम निकल चुके हैं। मैं और गोली बाद में आए क्योंकि हम लॉक लगा के आए हैं। गौरा और पापा ऑलरेडी निकल चुके थे, वो कार बैक करके ला रहे हैं। और यहाँ पर गोली है नाराज़। गोली के नाराज़ होने का कारण है क्योंकि गोली के साथ पापा ने थोड़ा मजाक कर दिया था, तो गोली नाराज़ हो गया है। और हम निकल चुके हैं अब रुद्रपुर के लिए, और हम सोसाइटी से बाहर आ चुके हैं और पहुंच गए हैं अब हम टांडा की जंगल की तरफ। और यहाँ पर खेत हैं क्योंकि यहाँ एक गांव है। खेत में गेहूं लगभग पक चुके हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है ऑब्वियसली। खेत में गेहूं पक चुके हैं तो कटने लायक भी हो गए हैं क्योंकि गर्मी भी बढ़ती ही जा रही है अब। और थोड़े दिन पहले ठंडा था लेकिन अब हो गया है गर्म, लेकिन रात का फिर भी मौसम अच्छा है। रात में अच्छा मौसम हो रहा है ठंडा। और रास्ते में आएगा हमारा बेल बाबा का मंदिर, जो कि बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है, और आते जाते लोग इसको प्रणाम ज़रूर करते हैं। हम भी यही करते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत मान्यता वाला मंदिर है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर, क्योंकि हमें रुद्रपुर ही जाना था। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, बट एक अच्छी खबर के लिए, क्योंकि पिछले व्लॉग में हमने दिखाया था आपको संजय भैया का घर, उन्हीं के घर में एक नन्हा मेहमान आया है और बेबी बॉय हुआ है ऑलरेडी। उनकी एक बेटी है लेकिन उनका सेकंड बेबी है बेबी बॉय, तो उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं। सो हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और गौरा बहुत खुश है छोटे बेबी को देख के। ये रहा वो छोटा बेबी, मैंने इसको गोदी में लिया, बड़ा मज़ा आया। काफ़ी दिन बाद छोटा बेबी लिया गोदी में, और बहुत ही क्यूट था, बहुत ही सॉफ्ट था। और लेकिन सो रहा था, उसने आँखें नहीं खोली, वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, तो उसकी आँखें नहीं देख पाए, बट बहुत क्यूट बेबी था। और गौरा भी बड़ी खुश हो रही थी, उसे टच करने की कोशिश कर रही थी। ये रहे संजय भैया और ये उनकी मम्मी है यानी बच्चे की दादी, और उन्होंने हमारे लिए इंतज़ाम भी कर रखा था, मिठाई का भी और समोसे का भी, बल्कि हमारे मना करने के बाद भी उन्होंने खिला के ही भेजा हमें। सो हमने एंजॉय किया वहाँ पर और बड़ा मज़ा आया वहाँ मिल के। हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं और
किससे मिलिया ये वाला बेबी से। कैसा बेबी था? बाबू। बाबू बाबू था, छोटा सा बेबी था, इतना सा छोटा सा, छोटा था। अभी तो जैसी मैं थी, जैसे गौरा थी, ऐसी छोटा सा बेबी था। और गाइस, और गाइस उसने आंख खोलने की भी कोशिश करी हमने के लिए, ऐसा ऐसा कर रहा था हमको देखने के लिए, रो रहा था। उसने गाइस उसने हमको देखने की कोशिश करी आंख खोलने की। मामा वो रो रहा था बेबी, वो नहीं कर रहा था ना, हमारी आवाज तेज हो रही थी और डर रहा था बोल। और ना गाइस जब जैसे ही ना उसको गोदी में ले तो चुप हो जा रहा, जैसे ही उसको लिटा देते थे बेड पे तो रोने लग जा रहा था। चलो तो अब हम चलते हैं वापस अपने घर। और पापा चिंगम ले आ रहे हैं मेरी ये पिंक वाली। चिंगम लेने गए हैं, पापा लेने गए हैं चिंगम दुकान से। खाली खा भी ली। तो हम लोग आ गए हैं वापस, और आते आते हमें हो गया था 7:30, काफ़ी लेट हो गए थे। फिर मैंने आके घर साफ किया क्योंकि मैं जल्दी जल्दी हम लोग चले गए थे। झाड़ू तो मैंने सुबह लगा ली, लेकिन फिर भी काम चलता है तो धूल मिट्टी तो घर में होती है। तो आके मैंने जल्दी जल्दी तो झाड़ू पोछा लगाया, उसमें 8 बज गए। और फिर इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैंने बच्चों से पूछा तो गौरा ने बोला मैं तो खिचड़ी खाऊँगी जो मूंग की दाल की होती है। इसने बोला मैं मट्ठा लूँगी, मूंग की दाल की खिचड़ी खाऊंगी। तो मैंने इनको भी पूछा तो इन्होंने भी ओके कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया फिर सब्जी रोटी खाने का मन नहीं है। और वहाँ पे भी हमने समोसे खा लिए थे हॉस्पिटल में सबने बच्चों ने, तो इसलिए ज़्यादा भूख भी नहीं है। तो मैंने सोचा खिचड़ी ही बना लेती। और बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, आते इनको पढ़ाई पर लगा दिया क्योंकि सुबह से इन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। और अभी हाँ काउंटिंग लिख रही है 1 to 30 और स्मॉल लेटर ए एंड कैपिटल ए है ना, क्योंकि बच्चों को अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो फिर मेरा नहीं इधर नहीं है। तो इसलिए गौरा को मैंने लिखने का, गौरा अब प्रॉपर लिख रही है। तो जब तक गौरा को कैपिटल ए, स्मॉल लेटर ए और 1 to 30 का काउंटिंग नहीं आएगी। वेरी नाइस, गुड गर्ल। मैं चेक कर लूँगी अब बाद में, ठीक है? आपने लिख दिया प्रॉपर। सो और यहाँ पे गोली अपनी इंग्लिश की स्टडीज़ कर रहा था, वो एक्चुअली मेरे फ़ोन से ही कर रहा था क्योंकि मैम ने ऑनलाइन कुछ भेजा हुआ है इसको। ठीक है मैं चेक कर दूँगी। सो इसलिए अभी मैंने फ़ोन ले लिया था, गोली अभी चुप बैठ गया, अभी अपनी स्टडीज़ ही कर रहा था। इसमें हमने शीट्स भेजी हुई थी ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, तो उसी को कर रहा था ये। अभी मैंने फ़ोन ले लिया था, मैंने थोड़ा ब्लॉग बना लेते हैं, तो इसलिए गोली भी शांत बैठ गया। तो ये लोग भी पढ़ रहे हैं और मैं किचन में दिखाती हूँ। मेरी चटनी बन चुकी है और ये गए हैं बच्चों के लिए मट्ठा लेने, क्योंकि गौरा ने कहा मुझे मट्ठा ही पीना है, मुझे दही नहीं खानी है। गोली तो दही खा लेता है लेकिन मट्ठा नहीं खाता है। यहाँ पे मेरी चटनी पीस चुकी है, चटनी मैंने पीस ली है और मैंने चावल और दाल भी भिगो के रख दिए थे यहाँ पे। तो बस छौंकने रह गए हैं, बस 2 मिनट में मैं छौंक देती हूँ इनको और फिर बच्चों को खाना देती हूँ। बच्चे इतने पढ़ाई करेंगे तब तक, 9 o'clock एटलीस्ट 9 तो बजेंगे खाना बनाते हुए, तब तक बच्चे पढ़ाई करेंगे और मैं खाना बना लेती हूँ और फिर मिलते हैं। बाय। तो डिनर हो गया तैयार, टाइम हो गया 9:30, बंद हो गया था 9 o'clock, लेकिन हम इनका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं वॉक पे किसी के साथ, तो हमें थोड़ा सा रुकना पड़ गया। फिर अभी मैंने फ़ोन करके पूछा तो वो कह रहे हैं कि बच्चे खा लें, तो फिर मैंने बच्चों को दे दिया। तो बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं और गौरा मट्ठा से खा रही है। गोली को घर वाली दही का रायता बनाया है। भाई हेल्दी होता है, हेल्दी नहीं होता। गौरा को लेकिन अमूल का अच्छा लगता है इसलिए वो पी रही है, उसको ये वाला अच्छा लगता है। जब गौरा बड़ी हो जाएगी तो पीने लगेगी फिर, है ना, घर वाला भी। तो हरी चटनी भी बन गई थी और ये रही हमारी खिचड़ी गौरा की। और गौरा खा रही है किससे? पेपा पिग से नहीं तो जॉय है, क्या जॉर्ज, ये जॉर्ज है। जॉर्ज जो भी बच्चे पेपा पिग देखते होंगे उनको पता होगा जॉर्ज। गौरा ने स्पून मंगाई थी एक्चुअली अपने बर्थडे पे अपने पापा के लिए, पापा से कहते हैं ना पेपा पिग वाली, तो उसमें मम्मा पिग, पापा पिग, जॉर्ज और पेपा पिग है। तो गौरा, तो इसलिए गौरा खा रही है जॉर्ज से। ठीक है खिचड़ी अच्छी बन रही है, ठीक है चलो एंजॉय करो।